कलम और कागज एजुकेशन में जितनी अहमियत और इम्पोर्टेंस ये दोनों चीजों की है उतना ही इम्पोर्टेंट क्रिएटिविटी का भी है, कुछ नया क्रिएट करने वाले का भी है और कुछ नए क्रिएटिव सोचने वालों का भी है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग न्यू इन एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ, योर जॉब, हर जगह नए सोचने वाले चाहिए। व्हाई? दिस इज 2020, वी आर लिविंग इन चैलेंजिंग डिमांडिंग वर्ल्ड, बाहर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है और हमें इस चीज को देखना है कि देयर इज ऑलवेज रूल फॉर आउटस्टैंडिंग। याद रखिए, डिग्री सबके पास होता है, हुनर, स्किल, टैलेंट, आपको सब कुछ मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन नया क्रिएट करने वाले, कुछ नए सोचने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। सोच और समझ लीजिए कि हमारे दुनिया में जो भी नए क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर भी होता है। साइंस रिसर्च के मुताबिक बच्चा जो है पहले साल 100% क्रिएटिविटी होता है, जैसे ही वह 20 साल क्रॉस करता है, 20 साल पार करता है, उसकी 50% क्रिएटिविटी घट जाती है। तो कहां गई वो क्रिएटिविटी? हमारे माहौल ने, हमारे समाज ने हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया और उसके अंदर थिंकिंग पावर को भी खत्म कर दिया और हौसलों को भी कम कर दिया है। याद रखिए, बच्चे जो अपने पहले साल 7 साल सब कुछ सीख लेते हैं, खाना पीना पढ़ना लिखना मौसम वगैरह रिश्तेदार दुनिया के बारे में सब कुछ सीख लेता है, उसके बाद जो सीखता है उसकी बुनियाद पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे को दो बड़े तोहफे दे सकते हैं, एक है रूट्स और विंग्स, मतलब जड़ और पर, उसे उड़ने का हौसला दे। उसे आप कह सकते हैं कि आप उसे कहानी सुनाए या आप उसे कहानी सुनाए तो उससे क्वेश्चन करे, क्वेश्चन एवरीथिंग, कुछ भी उससे क्वेश्चन करे। क्वेश्चन करेंगे तो वो कुछ तो थिंकिंग करेगा, उसके बाद आपको जरूर रिप्लाई देगा। देखिए, बच्चे ये नहीं कि स्कूल में जाके ही सीखेंगे चार दीवारों में बैठ के, ये चीज नहीं है। दुनिया में रहने वाले जानवर, पेड़ पौधे, फल, जो भी है, मौसम, बादल, कड़कती बिजलियां, वो सबसे सीखता है, ये सब टीचर है उसके लिए। वी नीड टू लर्न ईच एवरीथिंग। एक क्वेश्चन रखे और उसे बोले कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, डी, इस तरह मुझे सॉल्व करके बताओ, तो बच्चा सोचेगा, उसकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और वह थिंकिंग पावर बढ़ने के बाद उसके अंदर ग्रोइंग होगी। तो बच्चे को अपने दादा दादी नानी ताईजान बूढ़ों के साथ बिठाए। क्यों? देखिए, हर जगह गूगल पे आपको नहीं मिलती, हर चीज नहीं मिलती, उनके एक्सपीरियंस का भी मोल होता है। नाउ दिस थिंग पॉलिश द हिडन टैलेंट, हमें ये चाहिए कि उनके अंदर जो छुपे हुए टैलेंट है उसे पॉलिश करना है, उसे पॉलिश करना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? और अपने बच्चों को इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, लेजेंड, हीरोज की स्टोरी सुनाए, जिससे वे सुनने के बाद उसे अपना आइडल मानेगा और वे उसकी तरह बनने के सोचेगा। तो ये थी टिप्स टू इंक्रीज क्रिएटिविटी। आई होप आप लोग की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।